अंकल जी कैसी लग रही है आपको मैगी? मजा आ गया? बस अपनी मैगी तैयार है भाई, बढ़िया मैगी बनी है अपनी। ये वाली मैगी अच्छी बनी है ना पहले वाले से? तो सेकंड राउंड भाई साहब, भाई साहब मैं अपने साथ में चूल्हे में घेर दो भी है। हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पारीक आज आपको आम अगर की ट्रैकिंग पे लाया हूँ। और मेरे साथ आज वेद है जो तो फोटोग्राफी कर रहे हैं, नकुल है, प्रवीण कपूर, पूरा नाम बताया, उत्तम जी शर्मा है। आप सभी व्लॉग बनाते हैं नकुल को छोड़ करके। आप भी स्टार्ट कर लो एक चैनल भैया। जनता गेट है जो आप देख रहे हो ना पीछे, यहाँ से अब चालू करते हैं ट्रैकिंग। चलिए आज तो कोरोना काल में ऐसा नहीं लग रहा कि कोरोना भी है, इतनी भीड़ आ रही है जबरदस्त। देखिए दो पिक्चरों के हीरो हैं मेरे जो साइड में चल रहे हैं दोनों, और ये तीसरा हीरो है। देखिए आप लोग कैसे पब्लिक जा रही है, लिखा होगा देख रहे होंगे। देखिए बंदरों को देखिए क्या मजे कर रहे हैं बंदर। और उधर वो सुअर, गजब यार, वो देखिए आप बंदर का मजा देखिए आप। तो देखिए गंदगी, आप लोग भी आए तो यहाँ कभी गंदगी ना फैलाएं यार। देखिए जबरदस्त गंदगी है। और ये देखिए कितना सुंदर कुत्ता है। अबे बंदर आ रहा है आपका। देखिएगा बंदर, लाल मुख के बंदर। देखिएगा जयपुर का विहंगम दृश्य यहाँ से। बच्चे लोग पैदल आ रहे हैं, देखिए आप कितना सुंदर दृश्य। देख कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है, आप देखिए विहंगम दृश्य घाटी का। हमारे शेर आ रहे हैं देखो ट्रैक करते हुए, इन सबका मुंह छुपा हुआ है यार। काफी पुराना है और यहाँ से जो घरों पे कावड़ आती थी लाल कलर का, वो लेकर के आती थी कावड़। और वो हम लोग जब बच्चे थे, हमारे पिताजी उनके पिताजी उनके पिताजी भी उसको एक कटोरी आटा या कुछ भी दान पुण्य देते थे, जो ये गलता जो ठिकाना है इसका खाने पीने की व्यवस्था उसी से होती थी। ये आज भी घरों में जाता है, वो कावड़ आज भी घरों में आ रही है, इतने सालों पर उसके आते आते है। यहाँ से दो रास्ते हो रहे हैं, एक रास्ता तो नीचे गलता ठिकाने पे जा रहा है, नीचे गलता जी जा रहा है, और एक इधर ऊपर की तरफ दिखाऊंगा आपको रास्ता जो सूर्य मंदिर जा रहा है। हम सूर्य मंदिर वाले रास्ते से जाकर के आमागढ़ जाएंगे। अब चलिए नीचे दिखा के लाते हैं आपको। गलता ठिकाने का रास्ता जा रहा है नीचे। सामने जो आप देख रहे हैं ये सूर्य मंदिर है, यहाँ से इसके सामने से ही आमागढ़ का रास्ता जा रहा है। जानवरों के लिए पानी पिलाने के लिए भी स्थान बनाया गवर्नमेंट ने, वन विभाग ने। और देखिए पीपल के पेड़ वगैरह भी लगा रहे हैं। देखिए यहाँ की ब्यूटी सामने की देखिए आप, देख रहे हैं आप कितना सुंदर व्यू दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू। हल्का हल्का गोल्डन सा कलर सूरज। ये सामने जो देख रहे हैं ना जहाँ से लालिमा दिख रही है आपको सनराइज की, ये चोर घाटी है। मजा आ गया, क्या व्यू है, तरोताजा होगा इस समय हम लोग। क्यों जोरदार आ रही है।
ये शम्मी का पेड़ है, देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है इसके, देखिए आप पुष्प देखिए आपके कितना सुंदर है। ये राज्य पेड़ है हमारा, देखिए ये शम्मी के पेड़ हैं, इसका कलर देखिए आप, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कितनी पब्लिक आ रही है, ऐसा लग रहा है कोरोना ही नहीं है, मास्क तो आधी पब्लिक ने नहीं लगा ली। ओ साहब बाबू नकुल मेरे आगे चल रहा है और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हमारा ग्रुप आगे चले गया है, मैं थोड़ा पीछे रह गया हूँ। और देखिए आप जंगल कितना घना है और ट्रैक देखिए कितना अच्छा है, धीरे धीरे हम ट्रैक पे आगे बढ़ रहे हैं। प्रवीण में उत्तम दोनों साथ चल रहे हैं इस समय, देखिए आप मास्क हटा करके देखिए अब आप मेरी, मैं हूँ साहब आशीष पारिक। काफी सुंदर ट्रैक है और काफी पब्लिक इस ट्रैक पे आने लग गई, हम बच्चे थे तो हम अकेले आते थे इस ट्रैक पे, अब तो देखिए कितनी पब्लिक आ रही है। और हवा देखिए ठंड ठंडी हवा चल रही है, सुबह का मौसम है, लगभग 7 बज रहे होंगे, उसके अंदर मस्त ट्रैकिंग का चल रहा है आमगढ़ का फर्स्ट लुक। जंगल में पानी के रखे लगाए हुए हैं, कितना अच्छी चीज है, आप लोग भी कभी भी हो तो पानी का जरूर रखें और इसमें पानी जरूर भर के जाए। जंगल देख रहे होंगे, देख रहे हैं आप कितना घना जंगल है, मस्त जंगल। ये रास्ते दोनों किधर निकल रहे हैं दादा? ये अम्मा माता का मंदिर है और ये फोर्ट पे, क्या सुंदर है, क्या देखने जाए बताओ। इधर भी फोर्ट है, इधर फोर्ट, इधर तो वो होगा ना रडार के वो वायरलेस केंद्र है यहाँ पे, तो एक तो ये कहाँ निकल रहा है रास्ता? ओ यार क्या जंगल है, मस्त जंगल। देखिएगा जंगल कितना घना जंगल है, मस्त जंगल। अच्छा वेद भैया कैसा लगा आप लोगों को ये जंगल? बहुत बढ़िया आ गया, मतलब मौज हो गई आपको, आज मौज कराई ना आपको, आप लोग तो आ नहीं रहे थे नीचे से बोल रहे थे और कहीं चले क्या? क्योंकि यहाँ पे भीड़ नीचे बहुत ज्यादा थी तो हमें लगा कि यार यार। अरे पिछवाड़ा नहीं आप मेरी तरफ देख के बोलिए प्लीज, आप लोग पिछवाड़ा नहीं बोल रहा आपका। तो गाइस हमें यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ज्यादा भीड़ होगी, कैसा लगा आप लोगों को? कि घर में सब बैठे थे बोर हो गए थे तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। ट्रैकिंग अच्छी लग रही है, मस्त आपको। ये देखिए रास्ता आ रहा है नीचे से और आगे जंगल देखिए आप कितना शानदार घना जंगल है, यहाँ बघेरे बहुत मिलते हैं, आप लोग कभी आए तो ध्यान रखना। देखिए क्या शानदार जंगल है, मस्त जंगल। देखिए फर्स्ट लुक ऑफ अम्बा माता, इस ट्रैक का मेन डेस्टिनेशन अट्रैक्शन अट्रैक्शन अम्बा माता। और दिख रहा है नाहरगढ़ दिख ही रहा है आपको, क्या शानदार ट्रैक है, मस्त ट्रैक। पब्लिक हम नहीं सोचते थे इतनी आई होगी वहाँ पे, इतनी पब्लिक आई हुई है। और यहाँ से भी अब दो रास्ते जा रहे हैं, एक जाएगा अम्बा माता, हम अम्बा माता भी जाएंगे और आपको ये फोर्ट भी दिखा के लेकर के जाएंगे, लाएंगे आपको। देखिए अम्बा माता का मंदिर आ गए हम लोग और यहाँ का व्यू देखिए आप कितना शानदार है। देखिए जयपुर का व्यू देखिए आप, हमारा जयपुर कितना बड़ा हो गया।
क्या शानदार व्यू है। यहाँ अब हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे। पूरी पहाड़ियाँ ग्रीन हो गई हैं क्योंकि इस समय अभी जून है, 5 या 6 जून है आज, और यहाँ पहाड़ियाँ अभी देखिए हरी कितनी हैं। आप देखिए इस समय कितनी शानदार है, और जयपुर का व्यू देखिए आप, क्या शानदार विहंगम दृश्य यहाँ से। ये अम्बा माता का व्यू दिखा रहा हूँ आपको मैं। अब अम्बा माता का मंदिर है भाई, लोगों देखो क्या सुंदर मंदिर है, मस्त। अम्बा माता का मंदिर है, वर्क भी बहुत सुंदर है यहाँ का। आप देखिए, पहले मैं आपको माता के मंदिर के दर्शन कराता हूँ, है ना। देखिए माता जी का मंदिर देखिए, कितनी सुंदर प्राचीन मूर्त है, कितना सुंदर मूर्त है। अम्बा माता की जय हो। नमस्कार गुरु जी, मोहनदास जी, और आप कितने साल से यहाँ पे हैं? 30 साल से। मंदिर की स्थापना कब हुई थी, थोड़ा सा आप तेज बोले। संवत 232। सन कौन सा हो गया? सन का पता नहीं, वो तो कैलेंडर बता देगा। कितने साल प्लीट हो गए इस मंदिर को? 1800 वर्ष पुराना मंदिर है। 34-35 वर्ष ऊपर हो गए। 34-35 वर्ष से आप हो यहाँ पे? सत्तर से लेस कर लोगे आप, 32 तो कितने बाकी बचे? 2070 में से 232 लेस कर लोगे, उतने साल हो गए इसको। ये सबसे बड़ा इतिहास तो यही है ना, 1800 वर्ष हो गए इसको बने हुए। अच्छा, ना जयपुर था ना पाकिस्तान था। अच्छा, पाकिस्तान भी बाद में बड़ा था। बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहाँ से लेके अफगानिस्तान तक इंडिया था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत। अंकल जी कैसी लग रही है आपको मैगी? मजा आ गया? मस्त, अपनी मैगी तैयार है भाई, बढ़िया मैगी बनी है अपनी। ये वाली मैगी अच्छी बनी है ना पहले वाले से? तो सेकंड राउंड। भाई साहब अपने साथ में चूल्हे में घेर दो भी है। एक एक कचरा इकट्ठा करके आग के हवाले कर दिया। देखिएगा कचरा पूरा कचरा इकट्ठा करके और अब हम लोग नीचे ले जाएंगे और डस्टबिन में डालेंगे। यही सबको करना चाहिए यहाँ पे, डस्टबिन में डालना चाहिए कचरा। जब भी यहाँ आए आप, जो भी कचरा हो यहाँ का भी कचरा उठा के लेके जाएं। ये आग बुझाते हुए अंकल, ये पूरी आग बुझा दी है। व्यू यार देखिए, क्या शानदार व्यू है यहाँ का। ये आमागढ़ का व्यू है, आप देखिए, ये नकुल बैठा है ऊपर। क्या शानदार व्यू है, मजा आ गया। देखिए कितना चौड़ी प्राचीर है, दीवारों को भी प्राचीर कहा जाता है। देखिए कितने साल पहले का दुर्ग होगा ये, मस्त। ये तो पब्लिक ने इसको तोड़ दिया और उसमें से सीढ़ियां निकाल दी। अब आप बताइए, जयपुर में आप सोचते थे कि ऐसी जगह मिलेगी आपको? देखिएगा यहाँ का इतिहास, ये आमगढ़ का अभी तक कोई लिखा हुआ इतिहास हाथ में नहीं आया, लेकिन जो जयपुर थे ना, वो जो जयपुर था, इसके राजा महाराजाओं ने आगरा की तरफ से जो आक्रमण होते थे, आगरा भरतपुर दौसा इधर से ललितपुर झांसी, उसको रोकने के लिए ये बनवाया था। उसकी सैनिक छावनी थी ये जगह। मेरे हिसाब से यहाँ कोई कमरे वगैरह तो देखने को मिले नहीं कि कोई रहता हो यहाँ पे। यहाँ पे तो यही देखने को मिल रहा है कि सैनिक ही रहते थे यहाँ पे। देखिएगा व्यू देखिए आप, देखिएगा हम लोग यहाँ गए। वन विभाग की चौकी बनी हुई है यहाँ पे, ये मेन गेट है इसका, लेकिन आप देखिए बुर्ज क्या शानदार है ऊपर।
जब वो सैनिक आते होंगे तो यहाँ घुस नहीं पाते होंगे। आप देखिए अब धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ क्या हुआ कि शिव जी का एक स्थान है, उसको 2-3 दिन पहले तोड़ दिया गया किसी के द्वारा। असामाजिक तत्व और समाज कंटक हैं, उन्होंने देखिए आप शिव जी के मंदिर को तोड़ दिया समाज कंटकों ने। देखिए मैं YouTube के माध्यम से बोलना चाहता हूँ और बोलूँगा इसके खिलाफ, आप लोग भी बोलिए प्लीज। ये हनुमान जी की मूर्त है यहाँ पे, इसको तो खंडित नहीं कर पाया कोई। यज्ञ आहुति भी होती देखिए यहाँ पे आगे। चढ़ने में काफी तकलीफ हो रही है, काफी ऊंची सीढ़ियां थी, लेकिन खैर मैं चढ़ रहा हूँ। इस उम्र में भी आप देखिए कितना शानदार व्यू दिख रहा है यहाँ का, मजा आ गया। आप लोग भी यहाँ पे हैं, बहुत ही शानदार व्यू है। आ जाओ। तो दोस्तों आपको कैसा लगा? देखिए आमागढ़ के व्यू, और पीछे देखिए आप आमागढ़ का जंगल जिसमें बघेरे रहते हैं। कम से कम इसमें 28 तो बघेरे हैं, और लगभग कप्स होंगे कम से कम 20 से 25 कप्स उनके बच्चे हैं। ये बंदूकें चलाने का बता दे, ये बंदूकें चल। उस समय का ड्रेनेज सिस्टम है देखिए आप, ये यहाँ से वो बावड़ी से आता है और ये यहाँ से निकलता है बावड़ी आगे, वहाँ से आके और यहाँ से पानी ओवरफ्लो होकर के, क्योंकि ये ऊपर है पहाड़ी के तो कैसे निकले पानी, तो इससे पानी आगे करके निकल जाता है। आप देखिए ये बनी हुई है ना नालियाँ, आपको दिख रही है, आपको ड्रेनेज सिस्टम की नालियाँ हैं ये, देखिए दिख रही है ना आपको, ये नालियाँ दिख ही रही होंगी। और ये घोड़े चढ़ने के लिए हैं, आप देखिए काफी सुंदर दृश्य देखिए आप यहाँ से, आपको कितना शानदार परकोटा है। पर्यटन विभाग को मैं कहता हूँ कि आप इस जगह को आइए देखिए और इसको डेवलप करिए, यहाँ एक रेस्टोरेंट भी बना सकते हैं गवर्नमेंट चाहे तो। देखिए आप कितना शानदार किला है, देखिए नीचे आप बुर्ज देखिए कैसे वो बने हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे ना नीचे, आपको दिख ही रहे होंगे क्या शानदार बने हुए दरवाजे हैं और कितना बड़ा किला है। ऐसे किले कोई मिलते हैं क्या? और देखिए ये कुंड है जिसमें नहाते थे, या जैसे कि आक्रमण हो जाता था चारों तरफ से उनको घेर लेते थे, पानी कहाँ पियेंगे, तो टांके होते थे उसमें पानी पीते थे, साफ और स्वच्छ पानी होता था इसका, बरसाती पानी देखिए आप उसको कैसे आता था। देखिए आप परकोटा यहाँ से ढह चुका है लेकिन कोई देख नहीं रहा। देखिए अब आप देखिए जंगल, विहंगम जंगल देखिए, क्या शानदार जंगल दिख रहे होंगे आप, मज़ा आ गया इस जंगल को देख करके। आमागढ़ की पहाड़ियों से जयपुर के जंगल को देख रहे हैं, इन जंगलों में कम से कम 28 बघेरे हैं और कम से कम 20 से 25 बघेरों के बच्चे हैं। देखिए आप क्या शानदार, ये घाट की गुणी दिख रही है, जो नीचे दिख रहा है ना गड्ढा से, घाट की गुणी है, और ये टावर्स हैं वायरलेस वाले, और पब्लिक यहाँ क्रिकेट वगैरह खेलने आती है इन जगहों पर। खाली सा मैदान जो दिख रहे हैं ना, और वहाँ पर भी आपको रोड दिख रही होगी ऊपर जाने की, वो रोड वहीं जा रही है, वहाँ पे जा रही है देखिए आप, और यहाँ से जीप तक जाती है वहाँ पे। देखिए आप देख रहे हैं कितना विहंगम दृश्य है इस किले का, प्राचीर देखिए, इसकी दीवार देखिए कितनी मोटी है, देख रहे हैं ना आप क्या शानदार व्यू दिख रहा है आपको। देखिए आप लोग ये कचरा फेंक करके बोट ले जाते हैं, बहुत गलत है, ये कोई भी यहाँ ना डाले। हाँ तो दोस्तों आज का आपको मेरा ये आमागढ़ का ट्रैकिंग का व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। मेरे कोई चैनल में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई कमी लग रही हो आपको, तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जल्दी जल्दी और ट्रैकिंग व्यू बताऊँगा और ट्रैकिंग साइट जयपुर की बताऊँगा। ये मेरी 4th-5th ट्रैकिंग साइट है जयपुर की जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ ट्रैकिंग पे आए हैं, दुकानें वगैरह तो कुछ भी नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन व्यू और सुंदरता बहुत आएगी। आप सुबह जल्दी आएँ यहाँ 5 बजे, मज़ा आ जाएगा आपको, उस समय सनराइज़ का व्यू देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। गलता घाटी में है ये, ऊपर आके आमागढ़ का व्यू, यहाँ पानी भी आपको घर से लाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। आज के आनंद की जय।
जय हो आनंद की। मैगी वगैरह कैसी लगी आप लोगों को? मजा आ गया। चलिए तो दोस्तों, जो ये यूट्यूबर्स आप देख रहे हैं नीचे, सारे यूट्यूबर्स हैं, जयपुर के सबसे ज्यादा फेमस और अच्छे यूट्यूबर्स हैं ये। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सब अपने अपना चैनल बताओ। मेरे चैनल का नाम है प्रवीण कपूर और मेरा चैनल म्यूजिक का है द गुप्तास कॉमेडी चैनल, अर्थांत ब्लॉग्स, ब्लॉग्स मिलेंगे। वेश शर्मा ब्लॉग, नाम तो सुना ही होगा। गुप्तास तबला क्रिएशन, एडवांस पे तबला प्ले करता हूँ सॉन्ग्स के साथ। देखिए आप सब लोगों को दोबारा नमस्कार, जल्दी जल्दी नए ट्रैकिंग के ब्लॉग में मिलूंगा आपसे जल्दी से जल्दी। बाय बाय। मेरे भी चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।